काढ़ा पीते रहो गाइस, काढ़ा ही है जो आपको अभी बचा सकता है और आपको सेफ रख सकता है। तो गाइस यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हमारे पास है 5 TWS और आज हम फुल कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं। 1500 रुपये के अंडर में जो है आपको इतने सारे TWS देखने को मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है आपको सबसे बेस्ट TWS कौन सा देखने को मिलता है वो मैं आज आपको बताऊँगा। मेरा नाम है तन्मय, आप देख रहे हैं टेक यूनिक। आज का वीडियो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है 5 TWS। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको नाम बता दूंगा, ये है पीट्रॉन का बेस बर्ड्स प्रो, ये है हमारे पास बोट एडोब्स 381, ये है ट्रू के बर्ड्स S1 और Q1, दोनों ही यहाँ पे सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। और गाइस यहाँ पे जो इनका जो ओवरऑल जो पूरा पैकेज है वो सेम है, इसीलिए यहाँ पे जो है मैं द सुपीरियर वन को काउंट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो है मैं S1 को काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो प्राइस है एकदम 1500 रुपये परफेक्ट है। और बाकी यहाँ पे जो Q1 है उसका भी प्राइस कुछ 1300 रुपए है, बट यहाँ पे दोनों जो TWS है सेम ही है। तो गाइस यहाँ पे जो है मैं Q1 को साइड में रखता हूँ, यहाँ पे हम S1 को ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ये है हमारे पास Realme का बर्ड्स Q और ये है हमारे पास बोल्ट ऑडियो FX1। तो गाइस ये है हमारे पास 5 TWS, अपने पांचों कलाकार यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम जो है जल्दी से इसको डिटेल में कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइस देख लेंगे। यहाँ पे जो है आपको सारे प्रोडक्ट्स के नीचे प्राइस देखने को मिल रहा होगा अभी यहाँ पे, या आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे सस्ते से लेकर हमने यहाँ पे पूरा रेंज करा हुआ है सबसे महंगे वाले तक। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा आपको जो है ये रेंज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। स्टार्ट कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी से। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 1500 रुपये के अंडर में आपको किसी में भी मेटल देखने को नहीं मिलता है, बट गाइस यहाँ पे जो है सारे TWS में आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ यहाँ पे पीट्रॉन की, तो गाइस यहाँ पे जो आपको काफ़ी बढ़िया प्लास्टिक देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों ग्लॉसी है, इसी कारण से जो है यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं। करीबन 1 महीने से हम इसे यूज़ कर रहे हैं और स्क्रैचेस वगैरह और थोड़े से डीप क्रैक्स वगैरह भी हल्के फुल्के नीचे की तरफ आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा प्लास्टिक की क्वालिटी 1000 रुपए के हिसाब से तो सही है, बट थोड़ा सा और यहाँ पे इंप्रूव हो सकता था। वहीं पे अगर मैं बात करूँ अपने बोट एडोब्स 381 की, तो गाइस इसमें जो है बिल्कुल भी कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए हैं, क्योंकि यार यहाँ पे जो है मैट फिनिशिंग दी गई है, काफी बढ़िया मैट फिनिशिंग दी गई है, काफी तगड़ा यहाँ पे जो है बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। बट गाइस यहाँ पे इसका जो लिड है वो थोड़ा सा वॉबल करता है और थोड़ा सा प्लास्टिक का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिलता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ट्रू के बर्ड्स S1 की, तो गाइस यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं लिड जो है ऐसे ओपन होता है और गाइस यहाँ पे जो प्लास्टिक यूज करा गया है वो काफी बढ़िया क्वालिटी का है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे भी प्लास्टिक का जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है, यहाँ पे काफी थिन प्लास्टिक यहाँ पे यूज करा गया है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ Realme Buds Q की, तो गाइस यहाँ पे Realme Buds Q में भी जो है आपको काफ़ी हल्का सा प्लास्टिक क्वालिटी देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो है एज कम्पेयर टू बाकी सारे यहाँ पे TWS इसका जो प्लास्टिक है वो थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का देखने को मिलता है, बट गाइस यहाँ पे जो है आपको लिड में मैग्नेट देखने को नहीं मिलता और इन सब TWS में जो है आपको प्लास्टिक का ही हिंज देखने को मिलता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ बोल्ट ऑडियो FX1 की, तो गाइस इसका जो हिंज है मुझे सबसे बढ़िया लगा है यहाँ पे, इन पांचों में सबसे बढ़िया मुझे लगा है इसका हिंज, क्योंकि यार इसका हिंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है और काफ़ी बढ़िया मुझे लगा है बोल्ट ऑडियो FX1 का हिंज यहाँ पे। और गाइस इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, तो गाइस ये भी आपको जो है यहाँ पे मैट फिनिशिंग के साथ आता है। मैंने यहाँ पे वाइट कलर बाय किया, तो गाइस यहाँ पे जो है मुझे स्क्रैचेस साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे गंदा भी हो चुका है बहुत ही जल्दी। बट यहाँ पे जो है ओवरऑल 1500 रुपये के हिसाब से इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। बट अगर मैं यहाँ पे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो गाइस यहाँ पे अगर आपको सबसे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है वो है यहाँ पे Realme Buds Q में। बट गाइस यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे लिड ओपन करने के बाद जो है मैग्नेट देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे नॉर्मली जो मैनुअल वाला है वही आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई मैग्नेट्स नहीं दिए गए हैं। तो गाइस ये था बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोर वाइज मैंने यहाँ पे आपको लिख कर बता दिया है कि किसको मैं कितना दूंगा यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी वाइज। आगे
आगे बढ़ते हैं कनेक्टिविटी के साथ। कनेक्टिविटी में हमें यहाँ पे पीट्रॉन में देखने को मिलता है ब्लूटूथ 5.0। यहाँ पे जो है ब्लूटूथ काफी बढ़िया तरीके से फास्ट तरीके से कनेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लूटूथ 5.1 है वो थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट है एज कम्पेयर टू ब्लूटूथ 5.0। वहीं पे हमें बोट में देखने को मिलता है ब्लूटूथ 5.0 और ट्रू के में देखने को मिल रहा है 5.1। और यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है रियलमी बर्ड्स क्यू में ब्लूटूथ 5 और यहाँ पे ऑडियो बोल्ट ऑडियो FX1 में भी आपको मिलता है ब्लूटूथ 5। और गाइस यहाँ पे जो है सारे में जो है कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम हालांकि देखने को नहीं मिला है, बट गाइस यहाँ पे जो है कभी कभार रियलमी बर्ड्स क्यू में और ट्रू के में और यहाँ पे जो बोट वाला है इन तीनों में कभी कभार जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी इशूज देखने को मिले हैं। काफ़ी सारे लोगों को जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू देखने को मिला है बोट एयरड्रॉप्स में। यहाँ पे जो है कभी कभार एक कान का कनेक्ट नहीं हो पाता है और दूसरे कान का कनेक्ट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे जो है आपको देखने को इस प्रकार का कुछ मिलता है यहाँ पे कनेक्टिविटी। वहीं पर मैं बात करूँ इन सब में जो है आपको टच सेंसर देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया टच सेंसर है यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ पीट्रॉन की, तो यहाँ पे जो सेंसर है वो काफी बढ़िया है, काफी सेंसिटिव है, मुझे जो है काफी बढ़िया लगा है 1000 रुपए या फिर 1200 रुपए के हिसाब से। वहीं पे अगर मैं बात करूं बोट एडोब्स 381 की, तो गाइस यहाँ पे जो है आपको काफी बढ़िया देखने को मिलता है टच कंट्रोल्स। बट गाइस यहाँ पे जो सेंसर है वो थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा धीरे धीरे काम करता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं ट्रू के बड्स S1 की, तो गाइस इसका जो टच कंट्रोल्स है वो काफी बढ़िया है, सेंसर भी काफी अच्छे साइज का दिया हुआ है, काफी रेस्पॉन्सिव टच कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। और गाइस यहाँ पे जो रियलमी बर्ड्स क्यू का टच कंट्रोल्स है वो भी काफी ज्यादा स्मूथ है। और गाइस यहाँ पे आप रियलमी बर्ड्स क्यू के टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं रियलमी लिंक ऐप से। वहीं पर अगर मैं बात करूँ अपना बॉडी बोल्ट ऑडियो FX1 की, तो गाइस इसमें भी जो है टच कंट्रोल्स काफी अच्छे हैं। बट गाइस यहाँ पे जो टच पैनल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है वो पता नहीं चलता, कहाँ पे जो इसका टच कंट्रोल एक्चुअली में है वो यहाँ पे पता नहीं चल पाता, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला जो है यहाँ पे माहौल बना हुआ रहता है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप इसे बाय करने, तो गाइस यहाँ पे आपको सोच समझ के थोड़ा सा बाय करना पड़ेगा, क्योंकि यार इसका जो टच कंट्रोल्स है वो थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा यूज करने से पहले हर बार। तो गाइस यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इसको, इन सबको मैं ऐसा कुछ रेटिंग देना चाहूंगा कनेक्टिविटी एंड कंट्रोल्स में। साउंड क्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पीट्रॉन बेस बर्ड्स प्रो की, तो गाइस यहाँ पे जो है साउंड आपको काफी बढ़िया देखने को मिलता है 1200 रुपए के हिसाब से, काफी तगड़ा आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है। और ये जो ईयरबड्स है ये आपके कानों में काफी अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं, काफी शार्प साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर आप वर्कआउट वगैरह करते हैं तो आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाले हैं ये TWS 1200 रुपए के हिसाब से, काफी तगड़ा साउंड क्वालिटी मिल जाता है। बेस भी काफी बढ़िया है, यहाँ पे इसके बेस को मैं देना चाहूंगा 4.4 out of 5। वहीं अगर मैं बात करूं बोट एयरड्रॉप्स 381 की, तो गाइस यहां पे आपको जो है साउंड की क्वालिटी काफी बढ़िया देखने को मिलती है ओवरऑल। बट अगर मैं बात करूं बेस की, तो गाइस यहां पे बेस हल्का सा कम है, इसके बेस को मैं रेटिंग देना चाहूंगा यहां पे 4 out of 5। वहीं पे अगर मैं बात करूं ट्रू के बर्ड्स S1 की, तो गाइस यहां पे जो इसका साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया है 1500 रुपए के हिसाब से, मुझे जो इसकी साउंड क्वालिटी काफी तगड़ी लगी है, काफी शार्प लगी है और अकोस्टिक्स भी काफी बढ़िया है। बट गाइस यहां पे एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो है एक हिसिंग सा नॉइज आता है जब भी यहाँ पे जो है गाने वगैरह बंद रहते हैं, यहाँ पे आपको जो है कुछ हिसिंग नॉइज देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ रियलमी बर्ड्स क्यू की, तो गाइज इन पांचों में से सबसे बेस्ट साउंड क्वालिटी अगर मैं कहूँ, तो गाइज यहाँ पे है रियलमी बर्ड्स क्यू का साउंड क्वालिटी जो है सबसे बेस्ट है। बेस हालांकि थोड़ा सा एवरेज टाइप का है, ट्रेबल्स यहाँ पे बेस्ट है और ऑडियो क्वालिटी भी यहाँ पे काफी बढ़िया देखने को मिलती है रियलमी बर्ड्स क्यू में। वहीं पर अगर मैं बात करूँ बोल्ट ऑडियो FX1 की, तो गाइस यहाँ पे जो है आपको काफी तगड़ा बेस देखने को मिलता है, मैं इसके बेस को दूंगा 4.5 out of 5। बट गाइस यहाँ पे जो है शार्पनेस भी काफी बढ़िया है, साउंड भी काफी बढ़िया है, ओवरऑल साउंड क्वालिटी में मुझे जो है काफी बढ़िया लगा है। शार्पनेस हल्का सा कम है, इसके शार्पनेस को मैं देना चाहूंगा 3.5 out of 5। बाकी जो है यहाँ पे आपने देख लिया यहाँ पे कैसे कैसे मैंने स्कोर करा हुआ है TWS को साउंड क्वालिटी के मामले में। कुछ
कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेते हैं। 1500 रुपए में जो आपको ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को तो नहीं मिलेंगे, बट गाइस यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पीट्रॉन के बेसबड्स प्रो में आपको देखने को मिलता है गेमिंग मोड जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। यहाँ पे आपको IPX की रेटिंग भी देखने को मिलती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ बोट एयरडॉप्स 381 की, तो गाइस यहाँ पे जो है आपको पैसिव नॉइज कैंसिलेशन जो देखने को मिलता है वो काफी बढ़िया है। पैसिव नॉइज कैंसिलेशन का मतलब ये होता है कि ये जो ईयरबड्स हैं ये आपके कानों में कैसे फिट होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन जज किया जाता है। यहाँ पे जो इसका ईयरबड है वो काफी बढ़िया जो है नॉइज कैंसिलेशन बनाने में सक्षम होता है। सबसे बेस्ट नॉइज कैंसिलेशन पैसिव नॉइज कैंसिलेशन वाला TWS है यहाँ पे इन पांचों में से बोट एयरडॉप 381। वहीं पे इसमें जो है IPX की रेटिंग भी देखने को मिलती है। ट्रू के बर्ड्स S1 की अगर मैं बात करूँ गाइस यहाँ पे जो है आपको ENC देखने को मिलता है, वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पैसिव नॉइज कैंसिलेशन ही ENC होता है यहाँ पे। ENC मतलब एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन। ये जो है यहाँ पे उतना कुछ अच्छे तरीके से काम करता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि यार यहाँ पे जो है ये ईयरबड्स जो है इसके उतने अच्छे से कानों में फिट नहीं होते हैं जितने अच्छे से यहाँ पे बोट के एयरडॉप 381 यहाँ पे कान में फिट होते हैं। ये जो है आपके कानों में फुल्ली इन ईयर नहीं जा पाता है जैसे यहाँ पे बोट का एडोब चला जाता है। तो गाइस यहां पे ENC उतना इफेक्टिव नहीं लगा है मुझे ट्रू के बड्स S1 में। बट गाइस यहां पे जो है गेमिंग मोड भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलता है, ट्रेबल्स काफी बढ़िया है। बट गाइस यहां पे अगर मैं बात करूं Realme बड्स क्यू की, तो गाइस यहां पे जो है आपको सबसे बेस्ट गेमिंग मोड देखने को मिलता है Realme बड्स क्यू में। बट गाइस यहां पे जो है बैटरी काफी ज्यादा जल्दी ड्रेन हो जाता है अगर आप इसका गेमिंग मोड यूज करते हैं तो। ओवरऑल जो है यहां पे आपको इसके साथ Realme Link का ऐप भी देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं बोल्ट ऑडियो FX की, तो गाइस इसमें जो है आपको मोनोपॉड का फीचर देखने को मिलता है। मोनोपॉड का मतलब कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है। मोनोपॉड का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे एक TWS को एक टाइम पे यूज कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर मैं बता दूं यहाँ पे जितने भी TWS रखे हुए हैं टेबल पे, इन सब TWS में जो है आप एक बर्ड निकाल के यूज कर सकते हैं एज अ मोनोपॉड। ये कोई फीचर यहाँ पे नहीं है, ये जो है एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो गाइस यहाँ पे जो है बोल्ट ऑडियो FX में कोई भी एक्स्ट्रा फीचर देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे जो है आपको IPX की रेटिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको मैं एक फीचर बताना भूल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू के बर्ड्स S1 में और गाइस यहाँ पे पीट्रॉन के बर्ड्स प्रो में, दोनों में भी आपको जो है एक डिस्प्ले देखने को मिलता है जहां पे जो है बैटरी परसेंटेज डिस्प्ले करता है। ये काफी बढ़िया फीचर है, ये जो चीज है यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट में काफी कम देखने को मिलता है। दोनों की भी डिस्प्ले काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन पांचों TWS में, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी की क्वांटिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पीट्रॉन में केस में आपको 300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और बर्ड्स में आपको देखने को मिलता है 40 mAh की बैटरी। बोट एयरडॉप 381 में आपको देखने को मिल जाता है 500 mAh की बैटरी केस के अंदर और बर्ड्स में आपको देखने को मिलता है 50 mAh की बैटरी। वहीं पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपने ट्रू के बर्ड्स S1 की, यहाँ पे आपको केस में देखने को मिलता है 500 mAh की बैटरी, बट यहाँ पे बर्ड्स में आपको देखने को मिलता है 40 mAh की बैटरी। वहीं पे अगर मैं बात करूं Realme Buds Q की, तो गाइस यहां पे आपको देखने को मिलता है केस में 400 mAh की बैटरी और बर्ड्स में आपको देखने को मिलता है 40 mAh की बैटरी। वहीं पे अगर मैं बात करूं बोल्ट ऑडियो FX की, तो गाइस इसके बैटरी का क्वांटिटी मुझे यहां पे नहीं पता है, क्योंकि यहां पे कंपनी वालों ने छुपाने की बहुत ही ज्यादा अच्छी कोशिश कर ली है। तो गाइस यहां पे इसकी बैटरी क्वांटिटी के बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूं। बट अगर यहाँ पे मैं चार्जिंग की बात करूँ, तो गाइस यहाँ पे जो है अपना पीट्रॉन बेसबड्स प्रो जो है वो फुल चार्ज होने में 1.5 आवर्स का टाइम लगाता है। यहाँ पे जो है आपको USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है। अपने बोट एयरडॉप 381 जो है यहाँ पे इसको फुल चार्ज करने के लिए 2 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें 500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो गाइस इसको फुल चार्ज करने में इसको आपको 2 घंटे का टाइम लग जाता है। इसमें आपको जो है टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिल जा रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ट्रू के बड्स S1 की, तो गाइस इसमें जो है इसको फुल चार्ज करने को आपको लग जाता है 2 घंटा, क्योंकि इसमें जो है केस में भी आपको 500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इसमें जो है आपको टाइप सी का जो है पोर्ट देखने को मिल जाता है।
और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे Realme Buds Q की, तो गाइज यहाँ पे जो है आपको फुल चार्ज करने में 1.5 आवर्स का टाइम लग जाता है, बट गाइज यहाँ पे जो है आपको माइक्रो यूएसबी का केबल देखने को मिलता है। तो गाइज यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है Realme Buds Q में। वहीं पर अगर बात करूँ बोल्ट ऑडियो एफएक्स की, तो गाइज इसको फुल चार्ज करने में आपको लगता है 1 घंटे का टाइम, बट गाइज यहाँ पे जो है आपको टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा रेटिंग देना चाहूंगा इसके बैटरी एंड चार्जिंग में, तो गाइज यहाँ पे जो है आप यहाँ पे रेटिंग देख सकते हैं। ये जो सारे रेटिंग्स है मैंने यहाँ पे अपने खुद के यूसेज के बेस पे ही दिया हुआ है। माइक्रोफोन की क्वालिटी हम यहाँ पे सुन लेते हैं सारे TWS में बारी बारी से। तो गाइस ये रहा आपके सामने सारे माइक्रोफोन क्वालिटी के सैंपल्स। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रही है ये रिकॉर्ड हो रहा है P-Tron की बेस बड प्रो के माइक्रोफोन से, और गाइस इसको मैंने अभी कान पे पहना हुआ है, ऊपर फैन चालू है। तो गाइस आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पे कैसा बैकग्राउंड नॉइज सुनने को मिल रहा है इसके माइक्रोफोन में। तो गाइस अभी जो आवाज़ सुन रही है रिकॉर्ड हो रहा है True K Buds S1 से। तो गाइस यहाँ पे अभी इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और गाइस यहाँ पे फैन ऑन है, तो गाइस आप यहाँ पे सुन सकते हैं कि इसका जो है बैकग्राउंड नॉइज़ कितना आ रहा है और इसका साउंड क्वालिटी कैसा है आप यहाँ पे सुन के इस पर जज कर सकते हैं। तो गाइस अभी जो आवाज़ सुन रही है रिकॉर्ड हो रहा है बोट एडोब 381 के माइक्रोफोन से, और गाइस इसे मैं इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऊपर फैन ऑन है, और गाइस यहाँ पे आप सुन सकते हैं इसमें जो है कितना बैकग्राउंड नॉइज कैप्चर हो रहा है, और गाइस साथ ही साथ आप यहाँ पे जो है माइक्रोफोन की क्वालिटी को भी जज कर सकते हैं। तो गाइस अभी जो आवाज़ सुन रही है रिकॉर्ड हो रहा है बोल्ट ऑडियो FX1 से, यहाँ पे जो आप सुन सकते हैं पीछे की तरफ फैन ऑन है, तो आप यहाँ पे सुन के जज कर सकते हैं कि मेरा आवाज़ यहाँ पे कैसा आ रहा है, कैसा यहाँ पे जो है बैकग्राउंड का नॉइज़ है, और यहाँ पे इसको आप सुन के जज कर सकते हैं। तो गाइस अभी जो आवाज़ सुन रही है रिकॉर्ड हो रहा है Realme Buds Q के माइक्रोफोन से, और गाइस यहाँ पे सुन सकते हैं पीछे की तरफ जो है फैन ऑन है, तो आप सुन के जज कर सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा साउंड कैसा आ रहा है, और साथ ही साथ फैन का नॉइज भी आपको कितना आ रहा है आप यहाँ पे सुन के जज कर सकते हैं। की बात करूं तो गाइस यहां पे जो है P-Tron में आपको देखने को मिलता है बेस्ट इन क्लास 1200 रुपए में आपको सबसे बढ़िया जो है यहां पे TWS अगर कोई देखने को मिल रहा है, तो गाइस वो है P-Tron का बेस बड्स प्रो। ये जो है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपको TWS देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ बोट एडोब 381 की, तो गाइस ये जो है स्पेशली मूवी एंड सॉन्ग लिसनर्स के लिए, क्योंकि यार यहाँ पे जो है आपको केस में 500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और बड्स में जो है 50 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो गाइस यहाँ पे जो है थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है और साउंड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो गाइस यहाँ पे जो है True K Buds S1 और Q1 जो है आपको यहाँ पे स्पेशली गेमर्स के लिए है, क्योंकि यार यहाँ पे जो ट्रेवल्स है वो काफ़ी बढ़िया है और गेमिंग मोड यहाँ पे इसकी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। बट गाइस यहाँ पे अगर आपको थोड़े फिल्म्स वगैरह भी देखने हैं, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो केस में जो है 500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो गाइस ये भी जो है अच्छा खासा चल जाएगा आपका। वहीं पे अगर मैं बात करूँ Realme Buds Q की, तो गाइस ये जो है एक ऑलराउंडर TWS है। अगर आपको हल्का फुल्का मूवी देखना है, गाना सुनना है, गेमिंग भी करना है, तो गाइस ये आपको सब कुछ करवा सकता है, क्योंकि यार ये जो एक ऑलराउंडर है, यहाँ पे आपको सारे गुण संपन्न देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं इस प्राइस पॉइंट में, इस ईयरबड में Realme Buds Q में। और गाइज वहीं पर अगर मैं बात करूँ बोल्ट ऑडियो की, तो गाइज यहाँ पे जो है ये ईयरबड्स एक काफ़ी एवरेज ईयरबड्स है, ये मैं किसी को रेकमेंड करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यार यहाँ पे जो टच कंट्रोल्स है वो उतने कुछ खास नहीं है, और यहाँ पे बैटरी लाइफ के बारे में भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी की क्वांटिटी यहाँ पे कंपनी ने मेंशन नहीं करा हुआ है, तो यहाँ पे बैटरी के बारे में भी कुछ ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। हालांकि दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, बट बैटरी के बारे में भी यहाँ पे ऑल ओवर सोचना पड़ता है जब भी आप एक TWS बाय कर रहे हो। तो गाइस यहाँ पे जो है बोल्ट ऑडियो मेरी तरफ से किसी के लिए भी रेकमेंडेड नहीं रहेगा, बट यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सारे TWS जो है मैंने किसी ना किसी के लिए यहाँ पे रेकमेंड करा हुआ है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे जो है P-Tron है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, यहाँ पे जो बोट एडोब 381 है ये यहाँ पे मूवी एंड ऑडियो लिसनर्स के लिए है, True K जो S1 है यहाँ पे आप मूवी और गेमिंग दोनों कर सकते हैं, और गाइस यहाँ पे Realme Buds Q जो है यहाँ पे एक ऑलराउंडर TWS देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको जो है Realme Link ऐप का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे बोल्ट ऑडियो जो है मैं बिल्कुल भी किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा। तो गाइस इतना सा इस कंपैरिजन में, इस बड़े से कंपैरिजन में, अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा तो गाइस प्लीज नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए, और गाइस नीचे कमेंट्स में लिखकर आप बता सकते हैं कि क्या मुझे यहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए, और अगर आपके कोई डाउट्स है तो गाइस वो भी आप
नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स का यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइस इतना ऐसा इस वीडियो में, आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, और आपका दिन शुभ रहे। और गाइस यहाँ पे सारे TWS के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए रहेंगे, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं।